बहुत ज्ञापन पहले भी दे चुके हैं और अभी भी हमारे को यही निगरान लग रहा है कि आश्वासन दी के हमारे को जब हम यहाँ से हट गए कोई नहीं हमारे को सुनेगा। तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तब ना तो इतना रेस्पॉन्स मिला ना प्रशासन का ना तो तब आपने भी आकर ये नहीं कहा कि अभी ये शांतिप्रिय तरीके से कॉलेज चल रहा है यहाँ लेक्चर उसको लगाना चाहिए। आज जब हम लोग रोड पर बैठे हैं ना यहाँ और वो भी हमने सर हाईवे जाम नहीं किया हम कैंपस के बाहर बैठे मेरी बात सुनो आज शाम तक नियुक्ति हो जाएगी। परसों भी लड़कियां ये कह रही थी कि नहीं होगा मैंने कहा हो जाएगा ऑर्डर जब इतना बड़े अधिकारी ने कह दिया है फाइल चल गई है हो जाएगा ऑर्डर हुए कि नहीं हुए ऑर्डर हुए है वो वही मैटर लेने लेके अब अपन बात करें तो वहाँ हो गया तो वहाँ भी प्रदर्शन वापस होगा वापस यहाँ से वहाँ के एक प्राचार्य का काम देखते हैं एक उपराचार्य का काम देखते हैं दो लेक्चर कोटा ओपन की परीक्षा 21 तारीख को सुनवाने जा रही है वो देखते हैं और एक एनसीसी का देखते हैं स्काउट का देखते हैं एनएसएस का देखते हैं क्या बच्चे तुम जाना ये देख लो अपन समस्या की समाधान की तरफ बढ़ते हैं समाज समस्या का पता चले कमिश्नर साहब जो बैठने का साहब लेक्चरर्स की कमी को लेकर के स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं तालाबंदी की है और दो तीन दिन पहले गर्ल्स कॉलेज में भी ऐसी तालाबंदी हुई थी तब यहाँ के 5 लेक्चरर वहाँ डेपुटेशन पे लगा दिए थे तो उनको कैंसिल कराने के लिए आंदोलनरत हैं और अभी निदेशालय बात की है और शीघ्र ही मामले का निस्तारण हो जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया है कि उनको आधे आधे टाइम के लिए मॉडर कर देंगे आधे टाइम यहाँ पढ़ाएंगे और आधे टाइम वहाँ पढ़ाएंगे। उनकी उनको निरस्त करने की फाइल चला दी है उसमें शीघ्र डिसीजन हो जाएगा। कॉलेज के अंदर कल 5 व्याख्याताओं की एक साथ नियुक्ति कर दी गई है। डेपुटेशन पे 3 को गर्ल्स एमबीसी कॉलेज के अंदर लगा दिया गया 1 को बायतू और 1 को शिवाना और 2 पहले भी लगे हुए 1 है शिवाना 1 है होशिया सॉरी गुड़ा और 1 होशिया तो उनकी भी नियुक्ति थी वह भी हमारे को यह आश्वासन दिया था कि 2-4 दिन के अंदर अंदर हम वापस वहाँ उनको लेके आ जाएंगे यहाँ और हम इस बात के लिए अड़ चुके हैं कि इनकी नियुक्ति एक बार हो गई तो फिर वापस लाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए हमारी एक ही मांग है इनकी नियुक्ति निरस्त की जाए तो हम यह ताला तोड़ देंगे ताला खोल के और हम अनशन पे नहीं बैठेंगे जो प्रशासन कहेगा वो करने के लिए मंजूर है हमारे को। ये प्रशासन हमने यहाँ मौके पर पहुँचा है आपको क्या आश्वासन दिया गया? हमारे को यह प्रशासन कह रहा है कि आपकी बाजी मांगे हैं हम ऊपर तक पहुंचा दी गई हैं मगर कह रहे हैं कि सोमवार तक हो सकता है मंगलवार तक हो सकता है हमने कहा कि आज ऑर्डर निरस्त होगा तो ही हम यहाँ से चले जाएंगे अन्यथा किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे। यहाँ पर टेंट लगाया जाएगा और अनशन पर बैठ जाएंगे भारी उग्र आंदोलन होगा और उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा।